कंट्रोल से कॉल चलती कि फला फला उलिया जात के बंदे हैं, दो कस सवार हैं, तो जो टाउन वाली साइड पे उन्होंने वारदात की है, तो एकदम से रिटर्न करते हैं, हम बाइक उनके पीछे लगाई, चेज की है, तो उन्होंने पहला फायर मारा अपर बॉडी। जब मुझे फायर लगा मैं गिरा हूँ, तो मैं वहाँ पर हंस रहा था। हमारी जो लाइफ जो हो जाती है ना, वो हमारी नहीं है, ये अवाम की है। टीम ने इनका ताकुब किया है, नर्सरी चौक तक, नर्सरी स्टाफ तक ताकुब किया है, और उसके बाद सीआईए की मदद से मिलके ये ब्रेक थ्रू भी अचीव कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, सोसाइटी के हीरोज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा अवान, और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें पे बाय से आपका दामन उम्मीद भर दे, और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाजीन, आज हम आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के एक ऐसे हीरो से करवाने जा रहे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम की हिफाजत पर मामूर थे। पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में पंजाब पुलिस के अहलकार शदीद जख्मी हुए। आज हम उनके घर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वाकया था। तो आइए हमारे साथ। इस वक्त पंजाब पुलिस के वो हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उस वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नवाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नवाज, क्या वाक़या हुआ था हमें बताएं थोड़ा। सर, हम हमारी थर्ड शिफ्ट की ड्यूटी होती है, हम रात 12 बजे के सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। अभी ड्यूटी से आउट हुए हैं कि कंट्रोल से कॉल चलती कि फला फला हुलिया जात के बंदे हैं, दो कस सवार हैं, तो जो टाउन वाली साइड पर इन्होंने वारदात की है, तो हमारी बीट से इन्होंने गुजरना था। हमारी बीट जो थी वो इंडस्ट्री एरिया थी, तो हम अपनी पेट्रोलिंग स्ट्रिक्टली पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। जबकि अचानक हम देखते हैं कि वही दो बंदे हमारे सामने से गुजर होता है उनका, तो एकदम से रिटर्न करते हैं, हम बाइक उनके पीछे लगाई, चेज़ की है। तो चेज़ करने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि हमारे पीछे डॉल्फिन के जवान हमारे पीछे आ रहे, तो उन्होंने पहला फायर मारा अपर बॉडी फायर किया है, तो उसके बाद हमारे जवान ने भी फायर किए, जिसके बाद उन्होंने उनका फायर एक मुझे लग गया। तो उसके बाद एक बाइक हमारी गिर गई थी, जबकि दूसरी उसको चेज करने के लिए उसके पीछे गई है, और उसके बाद वो अपनी बाइक को छोड़ के फरार हो गई। ठीक है नवाज, मुझे बताएं कि बाइक आप ड्राइव कर रहे थे या जो आपके दूसरे क्लिक थे वो ड्राइव कर रहे थे? जी, बाइक मैं ड्राइव कर रहा था। और क्या टाइम था, क्या वाकया था, मतलब किस टाइम का वाकया? ये टाइमिंग इसकी होगी 12:40 के दरमियान। नवाज, मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे कि ये दोनों वही मुजरिम हैं जो कि पीछे से डकैती करके आए हैं? मैम, हमारे जब भी ये कॉल चलती ना कंट्रोल पे जी, जब पीछे कोई ऐसे डाकू होते हैं, वो कोई वारदात डालते हैं, तो जो फर्स्ट कॉलर होता है ना, वो उसका हुलिया जात वो सारा अनाउंस करता है कि ये उसने बंदे ने हुलिया उसका, ये उसने डाला हुआ है, ये उसके पास गाड़ी है। तो देन उसके बाद वही कॉल जो होती है कंट्रोल बढ़ाता है दोबारा अगली टीमों को अलर्ट करने के लिए कि ये बंदे ने अपने हुलिया जात हैं, उन्होंने डाले हुए हैं झूठ वगैरह जो भी उन्होंने डाला होता है। फिर उसी मुताबिक हम अपने ना पेट्रोलिंग को स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उसी लिहाज से फिर हमारा उनके साथ टकराव हुआ। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में मौजूद जो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर होते हैं, उनको जब ये कॉल रिसीव होती है कि इस तरह से कुछ लोग वारदात करके जा चुके हैं, तो जो हुलिया जात हैं या जो उनके भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी फिर जो डॉल्फिन को पास करते हैं, वो मेन कंट्रोल पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी होता है जहाँ से मैसेज पास किया जाता है। तो नवाज़, ये मुझे बताएँ कि जब ये आपके साथ वाकया हो गया, आपको फायर लगा, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? फीलिंग इन सेंस कि आप फील कर रहे थे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना ज़्यादा नहीं मैंने सोचा था, तब तो एकदम से थोड़ा सा वो होता ना, एक बंदा एक सेंस में चला जाता है, बहुत कुछ सोचना शुरू कर देता है। तो फिर मैं तो गिर गया हूँ, उसके बाद हाँ बिल्कुल होश में था। अच्छा, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जब मुझे फायर लगाया मैं गिरा हूँ, तो मैं वहाँ पर हंस रहा था। अच्छा। मेरे हाँ जी, मेरे साथ वाले जो देखने वाले थे, जो जाहिर सी बात हजूम इकट्ठा हो जाता है, वो चीज़ को देख के ना बड़ा ना वो हैरान हो रहे थे कि जो जवान को एक फायर लगा हुआ ये हंस रहा है।
तो मैंने इस चीज़ को अपने जेन के ऊपर इतना तारी नहीं किया कि नेक्स्ट कोई दूसरा कोई ऐसा कोई मामला होता है, कोई और ना कोई वाक्य हो जाए जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। मैंने अपने हवास को पूरा कंट्रोल में रखते हुए ईजी होके कोई इतना अपने सर पे सवाल नहीं। अच्छा नवाज़, बताएं मुझे, आप हंस रहे थे, क्या जज्बा था आपका उस वक्त? क्योंकि देखे ना, जब आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन करते हैं तो तभी आपको ये चीज़ आपके जहन में होती है कि आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी आपका मोरल डाउन नहीं था, तो मज़ीद भी देखें ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी दोबारा ऐसे वाक़ात होती हैं, तो आप उसी तरह पुरअज़्म हैं जैसे पहले थे? जी बिल्कुल सर। सर स्टार्टिंग में हमारे पुलिस में यही चीज़ हमें सिखाई जाती है, हमारी जो लाइफ जो हो जाती है ना वो हमारी नहीं है, ये आवाम की है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बनाए गए हैं, उनकी जान माल हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, तो इसलिए हमें अपनी जान से ज़्यादा उनकी जान बहुत ज़्यादा कीमती होती है। आज कभी पेट्रोलिंग करते हुए या क्रिमिनल्स के सामने जब आपका मुकाबला होता है उस वक्त कभी मौत का डर नहीं आया? क्योंकि मौत से तो हर इंसान डरता है, तो उसमें कभी आपको ये डर नहीं लगा कि ये मुझे गोली लगी तो मैं इससे मर भी सकता हूँ? मैम पहले मैंने फर्स्टली यही बात की है कि हमारी जो लाइफ होती है ना वो हमारी नहीं रह गई होती। जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना तो ये हमारी लाइफ नहीं है, हम लोगों के लिए जी रहे होते हैं। बाकी कोलीग्स का बताइएगा, जो आपके साथ तीन और जो थे वो जवान मौजूद थे, वो उन्होंने एट द स्पॉट क्या किया, उन्होंने आपकी किस तरह मदद की? जी वो उन्होंने भी मेरे साथ बिल्कुल टीम वर्क किया है, बड़े अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया है। उनके नाम लेना चाहेंगे आप? आपकी टीम में कौन कौन थे? हाँ, मेरी टीम में मेरे अलावा एक अरियसन चट्ठा था, एक लड़का, और दूसरा एक अकबर था, लास्ट में अवैज़ गुजर। नवाज़, बहुत शुक्रिया, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, और इसके अलावा सलूट पेश करते हैं आपके तीन जो बाकी के जवान थे उनको भी और आपको भी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नवाज़। अब हम चलते हैं एसपी डॉल्फिन की जानब, जो कि इनके कमांडर हैं, जो कि इनको मोटिवेट करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि इनका जो जज्बा है उसको बुलंद करने के लिए वो क्या इकदाम कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। इस वक्त हम डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं, जहाँ पर एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं इस वाक़े के हवाले से। सर, आप क्या समझते हैं कि उनका जो जज्बा था, आखिर क्या जज्बा था कि उन्होंने उन क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला किया, उस बच्चे को फायर लगा, आप कैसे समझते हैं? देखिए, जो पब्लिक सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है और जो क्राइम का खात्मा है, ये अवलीन तरजीह है, और इसमें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बेपनाह काम किया डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने, और बेपनाह कामयाबी अभी बेटी है। लेकिन ये सारा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ख़तरे से बाहर है, बिल्कुल हम जब हमारे जवान फील्ड में निकलते हैं पेट्रोलिंग की हालत में होते हैं तो उस वक्त बड़ी वल्नरेबल पोजिशन पर होते हैं, खासकर जब भी क्रिमिनल से टकरा होता है उसमें प्रोबेबिलिटी होती है या चांस होता है कि भाई वो ये उनकी फायरिंग की जिद में ना आ जाए, तो वहाँ पे पब्लिक को सिक्योर करना, क्राइम का खात्मा करना, अपनी जान की बाजी पर खेलकर, ये सारा कुछ मैं समझता हूँ ये एक जज्बा है जो काबिले दीद भी है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सोसाइटल एलिमेंट्स की तरफ से। अब इसमें भी देखें कि ये जो DPS स्कूल गेट नंबर 1 अरैया चौक में 1240 पर ये जो यही मुल्ज़मान जिन्होंने जोर टाउन में उससे पहले वारदात भी की है, तो उसको उनको रोकने की का इशारा किया, तो उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग किया जिससे ये हमारा जवान जो नवाज़ है उससे ज़ख्मी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उस टीम ने इनका ताकुब किया, नर्सरी चौक तक, नर्सरी स्टाफ तक ताकुब किया, और उसके बाद CIE की मदद से मिलके ये ब्रेक थ्रू भी अचीव कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एट लार्ज पब्लिक को सेफ और सिक्योर करने के हवाले से डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का ये जो जज्बा है इनके जवानों का, ये काबिले ज़िक्र है, और इंशाल्लाह इस जज्बे की वजह से आप देखेंगे कि लाहौर में पहले भी स्ट्रीट क्राइम काफ़ी कम हुआ है और आइंदा फ्यूचर में भी ये जो समाज दुश्मन अनासर हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, इनसे निबटने में, नबजमा होने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। 24 घंटे जो है डॉल्फिन स्क्वाड जो है ड्यूटी की हालत में ही रहती है, आवाम को सिक्योर करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना और ख़ासतौर पर क्राइम को रोकना और ख़त्म करना उनकी एक अवलीन तरजीह है। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल तो होता है कि उनका मोरल कैसे हाई रखा जाए, मतलब 24 घंटे अगर एक इंसान है उसे हर वक्त यही लगे कि मेरी जान खतरे में है तो उसका मोरल कहीं तो डाउन होता होगा। देखिए, जब हम इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो सबसे पहले जो हम हलफ लेते हैं अवाम की जान माल और इज्जत आबरू की हिफाजत का, वो उसकी पासदारी हर फर्ज पर, हर हमारे जवान पर, हर ऑफिसर पर लाजिम होती है। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये ज़ख्मी हुआ, उसके इमीडिएटली हमारी जो सीनियर कमांड है वो भी मोबिलाइज हुई,
वो भी हॉस्पिटल पहुंचे, हमारी तरफ से हमारा वेलफेयर जो ब्रांच है उसका इंचार्ज भी फौरी मौके पर पहुंचा, मैं खुद मौके पर गया हॉस्पिटल, उनकी तीमारदारी की, उनके इलाज मुआलजे के लिए हमने MS जिना अस्पताल से कॉन्टेक्ट किया, स्पेशलाइज डॉक्टरों को अरेंज किया। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मोरल जो है ये एक जो जज्बा है ये अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करता है, और ये वो जज्बा है जिसके तहत हमारी की पूरी फोर्स जो है वो काम कर रही है, और ये जज्बा पेश फरमा है जिसकी वजह से ये हम अनथक मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई काबिल तहसीन बात है जो हमारी टीम ने अपनी जान जोखों में डालकर ये उन्होंने किया, इन क्रिमिनल को भगाया भी है और बाद में हमारी टीमों ने पकड़ भी लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम है और ये सोसाइटी की बेहतरी के लिए है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए और इससे ही हमारी टीमों की हौसला अफजाई भी होती है। सर, ये टीमों को सराहने के लिए कोई मज़ीद इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक तो हम इमीडिएटली इनका हमने इनको अप्रिसिएशन लेटर रिवार्ड, फिर जो अच्छी टीम काम करती है इमीडिएटली सीनियर्स तक उनके आउटरीच उनका हम रिकमेंड करते हैं। CC2 के लिए DH साहब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे कमांडर ऑपरेशंस हैं, CCPO साहब बहुत मुतहर्रक हैं और वो फील्ड के टीमों के साथ शाना बशाना अपने आप को खड़ा देखते हैं, बल्कि हर रोज़ वो रात को भी निकलते हैं दिन को भी निकलते हैं और हमारी टीमों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर शाने से शाना मिलाकर वो हर लम्हा हर जगह पर साथ पहुँचते हैं। तो इससे जो सीनियर कमांड जब जवानों के साथ खड़ी होती है तो इससे उनका जो जज्बा है वो भी बढ़ जाता है और अप्रिशिएट करते हैं जो डिपार्टमेंटल हमारे रूल्स परमिट करते हैं उनके तहत भी वैसे भी, और आप भी मीडिया वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के कामों को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, सोसाइटी के हीरोज़ हैं जो कि इंटरनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दिन रात सरगर्म अमल हैं, काम कर रहे हैं और इनको हर प्लेटफॉर्म पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आपने जाते जाते हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना है, Facebook पे फॉलो करना है, इसके अलावा Twitter और Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ अल्लाह हाफिज़।